नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं उज्जवल जम्मू। मैं कामाक्षी डोगरा। जम्मू में टैलेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है, आए दिन नए टैलेंट से मिलाते रहते हैं। वैसे ही हमारे साथ एक मंझे हुए कलाकार जुड़ चुके हैं जिन्होंने 5,000 से भी ज़्यादा जो नुक्कड़ कर चुके हुए हैं और हज़ारों से ज़्यादा जो है स्टेज शो और शॉर्ट मूवीज़ भी करते हैं। जी हाँ, मैं शाहजी खान जी की बात कर रहा हूँ। जी उज्जवल जम्मू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच उज्जवल जम्मू और थैंक यू सो मच। जी बात करते हैं, शुरुआत कैसे हुई, मतलब कि कब इंटरेस्ट पड़ा, कब सोचा कि अब यही है जो करना है, एक्टिंग ही करनी है? वेल, सच कहूँ तो मैं बेसिकली डोडा भद्रवाह से बिलोंग करता हूँ और बचपन से स्कूल टाइम से शौक था काफ़ी मुझे एक्टिंग वगैरह का। बेसिकली एक्टिंग नहीं करता था मैं, तब मिमिक्री वगैरह करता था। एंड मेरे गुरु हैं राजीव राणा जी डोडा से, तो उन्होंने मुझे देखा था करते हुए और उन्होंने मुझे कहा था कि कभी जम्मू जाना हुआ तो हम थिएटर वगैरह भी करते हैं वहाँ पर, तो एक बार आप वहाँ पर भी जाइएगा। होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को और सीखने को मिले। और फॉर्चुनेटली जम्मू आना हुआ, उसके बाद शशिभूषण सर हैं हमारे, मेरे गुरु हैं जो, उनसे मिलना हुआ और उसके बाद ये सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि एक नशे की तरह, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा नशा चढ़ गया, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, बस वो फितूर चढ़ गया और फिर उतरा ही। जी बात की जाए आपकी चुपकर वन और चुपकर टू शो की, बहुत ही ज़्यादा हिट हुए, लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सराहना की उन दोनों शो के, जो फेमस डायलॉग्स हैं जो लोगों ने बहुत पसंद किए और यूज़ भी करते रहे, वो सुना के थोड़े बता दीजिए। वेल, सच कहूँ तो चुपकर वन और चुपकर टू एक ऐसा फ्लेवर है जो हमने यहाँ पे जम्मू के ऑडियंस को दिया था, बिकॉज उससे पहले शायद इतनी ज़्यादा कॉमेडी कोई स्क्रिप्ट उन्होंने देखी थी ना, शो था, देखा था। तो मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि मैं हमेशा लोगों को कुछ ऐसा दूँ जो कि वो हमेशा याद रखें। जैसे उसमें एक डायलॉग है शेखू और जो नवाब है उसका डायलॉग है, तो नवाब शेखू से कहता है कि अब अगर कोई भी आएगा तो उसको एक बात कह देना कि हमारी थोड़ी बड़ा चढ़ा के बात बोलना, समझा, कोई कुछ भी हो। तो शेखू को एक बार मौका मिलता है तो कहता है अरे वो तो हमारे नवाब साहब ने गुस्सा करना छोड़ दिया, ये तो हमारे नवाब साहब तो इतने बहादुर हैं कि एक बार उन्होंने एक तलवार से दो शेर मार दिए थे। हाँ, फिर नवाब आता है और जानते हो उस शेर की दुम 3 फुट लंबी थी। शेखू खांसी करता क्या है, कम कर दो, थोड़ी कम कर दो। नहीं 3 फुट नहीं थी वो 2 फुट थी। अच्छा, वो सुबह का वक्त था, वो तो दिखाई नहीं दिया ठीक से, तो वो 2.5 फुट थी। नहीं, वो 2 फुट थी, आप सच में खांसी आती है? नहीं, वो 1 फुट थी। फिर वो खांसी बोलता हराम खोर, क्या बिना दुम के शेर पैदा होता है हमारे मुल्क में? बहुत ही अच्छा। तो मतलब कि स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, मैं जानना चाहूँगा। वेल, चुपकर वन की स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी जी। उसके 7 शोज जब बैक टू बैक हिट हुए, तो उसके बाद एंड पे मैंने एक स्कोप रखा था टू बी कंटिन्यूड, तो लोगों ने फिर डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई 1 आ गया, अब इसके आगे का भी कुछ दिखाओ, हो सकता है क्या? तो फिर डिमांड पर मैंने चुपकर 2 लिखा और चुपकर 2 का भी जब शो किया तो वॉज बता नहीं सकता, मतलब गूज़बम्प्स हो गए थे जब ऑडियंस ने रिएक्शन दिया था, इतना सराहना दिया था, इतना प्यार दिया था। और ना सिर्फ चुपकर 1 चुपकर 2 बल्कि आज तक ये ऊपर वालों का करम रहा है और मेरी ऑडियंस का प्यार रहा है जितना भी, कि मैंने जो भी प्ले किया है ऑडियंस ने भर भर के प्यार दिया है। फिर मैं जानना चाहूँगा, पिछले साल लॉकडाउन बन रहा, थिएटर्स जो हैं बिल्कुल बंद रहे, तो आप ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट किए, कितनी मुश्किल आई जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट होता है वो थिएटर से दूर नहीं रह सकता, अपनी जो है एक्टिंग से दूर नहीं रह सकता, तो आपने कैसे ऑडियंस को अपनी तरफ लिया, ऑनलाइन कैसे जाना? वेल, देखिए सच बोलूँ तो आर्टिस्टिक जो दिमाग होता है ना वो कभी खाली नहीं बैठता, और मेरा भी ऐसा ही था कि अब जब लॉकडाउन का पीरियड था तो उस वक्त एक्चुअली मैं पोइट भी हूँ, मैं पोइट्री वगैरह भी लिखता हूँ, मेरा अपना यूट्यूब पे चैनल है शाजी खान नाम से, सो आप जाइएगा प्लीज़ एक बार देखिएगा उस चैनल को भी, बहुत पोइट्रीज लिख के मैंने डाली हैं, डिक्टेट भी की है वहाँ पे। और तो इसीलिए मैं दिमाग को उस वक्त में मैंने पोइट्रीज भी बहुत काफ़ी लिखी और ऑनलाइन काफ़ी बार मैं लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ, लोगों के साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहती है। कई बार कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने ऑनलाइन एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा हुआ था आर्टिस्टों का और ऑडियंस के साथ, वो मैंने पार्टिसिपेट किया, वो मैंने हमारे रोहित भट्ट भाई हैं उन्होंने एक बार रखा था, उनके साथ मैंने मिलकर किया ऑनलाइन। तो आर्टिस्ट कभी खाली नहीं बैठता, और अगर कुछ नहीं भी हो तब भी मैं अपने आप को सोचता रहता हूँ कि हमेशा इंप्रूव करूँ, बिकॉज एक आर्टिस्ट है वो, ये एक ऐसा जॉब है जो कभी खाली नहीं बैठता या इनकी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि आर्टिस्टिक जॉब जो है वो 24 घंटे का काम है, और आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है तो आप 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास नहीं होती, ये 24 घंटे की प्रैक्टिस है जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ करते रहना। पोइट्री की बात की, कोई हमने जो लिखी हो बहुत दिल के करीब हो आपके, वो मार्गदर्शन? जी जी ज़रूर है, एक पोइट्री है कि ये फिज़ा उसे भी मेरी याद दिलाती होगी, मेरी याद उसकी आँखों को नम कर जाती होगी, सहम जाती होगी वो हर छोटी सी आहट,
दूर होकर ही सही वो मुझको बुलाती हो। इतना यकीन है मुझको अपनी मोहब्बत पर, लिख लिख के नाम मेरा वो अक्सर मिटाती होगी। कितना सताया मुझको, कितना रुलाया मुझको, याद करके मुझको वो नज़रें झुकाती होगी। ये ऐसी वफा ना उससे की है किसी ने अब तक, ये सोच कर हमेशा आंसू बहाती होगी। कि उसकी फ़िक्र है आज भी शाज़ी न जाने क्यों, उसकी फ़िक्र है आज भी शाज़ी न जाने क्यों, अब हाले दिल वो अपना किसको सुनाती होगी। हाले दिल अपना किसको, मतलब कि पॉइंट, एक पॉइंट भी होना, एक्टिंग भी करना, टैलेंट से भरपूर हाँ बिल्कुल, मैं जितना तारीफ करूं नहीं, नहीं नहीं एक्चुअली टैलेंट से भरपूर नहीं हूँ, बस मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ। देखिए कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गेन होता रहे। आप खाली दिमाग, अगर आपके पास कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, तो मैं नहीं चाहता कि वो शैतान कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बसे। इसलिए मैं अभी थिएटर की डायरेक्शंस कर रहा हूँ, आप थिएटर डायरेक्शन भी चल रही है मेरी, उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन है। अभी अगले मार्च में फेस्टिवल शुरू होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स यहाँ पे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ यहाँ पे होंगे, और आप सब आइए और वो सारे शोज़ जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप देख सकते हैं, और एक से एक मजे कलाकारों को आप यहाँ पे देखेंगे लाइव। तो आइएगा ज़रूर, वो भी देखिएगा। और बस यही कोशिश है कि कुछ ना कुछ लिखता रहूँ, कुछ ना कुछ करता रहूँ, कभी प्लेज लिखता हूँ, पोइट्रीज लिखता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, एंकरिंग के मैंने काफ़ी, एंकरिंग के भी मोर देन शायद मैंने 2000 से ज़्यादा अभी तक शोज़ कर दिए हुए हैं। तो बस चल रही है कारवा जी। आखिरी क्वेश्चन रहेगा, यूथ जो है हमारी बहुत ही गलत रास्ते में जा रही है, ड्रग्स की तरफ जा रही है, उनको एक मैसेज कि इससे दूर रहे, आप जो करना चाहे वो। देखिए यूथ के लिए मैं सिंपल सी एक बात कहूँगा, ये यूथ पावर जो होती है ना वाकई बहुत कमाल होती है, और इनमें एनर्जी बहुत होती है। इसलिए मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, जो भी यूथ है, कि अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते ना, कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ 2 घंटे अपने माँ बाप के साथ बिता लीजिए, आपको धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा। मेरा बात का यकीन कीजिए, अगर यकीन नहीं आता एक बार आप करके देखिए। सिर्फ 2 घंटे अपने माँ बाप के साथ बिताइए, उनकी बातें सुनिए, उनकी सीख लीजिए उनसे, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। वो माँ बाप के साथ बिताए हुए 2 घंटे आपको कई जिंदगियों के बराबर लगेंगे, याद मानिए मेरे। और बहुत कुछ है करने को। देखिए यूथ में इतना सारा, आज इतने ज़्यादा हमारे पास स्कोप्स हैं, आज इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हम कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, हिडन टैलेंट्स हैं उसको हम उजागर कर सकते हैं। कहीं अगर शर्म करते हैं, आप खुद घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, लिखिए, गाइए, बोलिए, कीजिए। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप मेरे पास आइए, यहाँ पे आइए। थिएटर करना चाहते हैं थिएटर आइए, थिएटर ज्वाइन कीजिए, एक्टिंग भी सिखाते हैं हम, वहाँ पे आइए। आप जो चाहें, आपको किसी किस्म की रोक कभी रही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आजकल माँ बाप कहीं रोकते हैं। ये हमारा वक्त था कि अगर माँ बाप से कुछ मांगना भी, पहले हाथ गाल पे रखना पड़ता था कि कहीं चाटा ना पड़ जाए, तो अब वो वक्त नहीं है। अब तो बच्चे को स्कूल भी ऐसे तैयार होकर भेजते हैं कि जैसे माशाल्लाह बाकायदा वो आज मेडल जीतने ही जा रहा है। तो हमारे वक्त में तो भाई हम रो रहे होते थे और चपेड़ मार के निकाला जाता था यार, बहुत जुल्म हुआ यार। सो हंसते रहिए, ऐसी तरह मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ हमेशा कोशिश कीजिए कि आपसे जो भी मिले खुश रहे, हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, अपने माँ बाप को ढेर सारा प्यार दीजिए, बस यही ज़िंदगी है। बहुत बहुत धन्यवाद शेख जी हमारे साथ मिलने के लिए। शेख जी खान जी थे हमारे साथ, मंझे हुए आर्टिस्ट जो हैं हमारे साथ ही। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अपने माँ बाप के साथ सिर्फ 2 घंटे बिता दीजिए, सारे दुख दर्द हैं जो आपके वो सभी दूर हो जाएंगे। ऐसे ही हम और जम्मू के आर्टिस्ट के साथ आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए उज्ज्वल जम्मू। नमस्कार।